मैं हूँ इस वक्त कश्मीर के गुलमर्ग में और ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इलाका है यहाँ का, और अगर आप यहाँ नहीं आते तो आपका कश्मीर टूर अधूरा रह जाएगा। ये देखो मेरे हाथ पे बर्फ पड़ रही है और मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव बर्फ पड़ते हुए। तो दोस्तों मैं हूँ इस वक्त कश्मीर में और आज मैं आपको घुमाऊंगा कश्मीर की कुछ ब्यूटीफुल प्लेस। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काफी बर्फ पड़ चुकी है इसलिए लोग वापस जा रहे हैं, सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ इस तरफ। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है, पेड़ों पर भी आप देखेंगे तो बर्फ दिखाई देगी आपको और ये पैरों के निशान बन जाते हैं बर्फ पे। मैं भी चल रहा हूँ, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। तो अभी तक आप कश्मीर घूमने नहीं आए हैं तो यहाँ पर एक बार घूमने जरूर आइएगा। तो बर्फ़ पर आके आप चाहें तो बर्फ़ पे चल सकते हैं, बर्फ़ को उठा सकते हैं, बर्फ़ को उठा के मार सकते हैं, और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं आप चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे कि बर्फ़ की गाड़ी होती है, आप उस पर बैठ के झूल सकते हैं, ये आपको उस गाड़ी पे बिठा के खींचेंगे और आपको झूलाएगा। आप चाहें तो बर्फ़ को दूर खड़े होकर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आए तो बर्फ से खेलना बिल्कुल मत भूलिएगा। पास में ही आपको खाने पीने की जगह भी मिल जाएंगी, छोटे मोटे रेस्टोरेंट जहाँ पर आप मैगी चाय और खाना पीना खा सकते हैं। तो अभी मेरे पैर बर्फ से पूरी तरह जम चुके हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इस समय तक यहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती, आप लकी हैं कि आप यहाँ पर आए और आपको बर्फ़ देखने को मिल गई, क्योंकि अभी ये नवंबर का महीना है और यहाँ पे बता रहे थे लोग कि दिसंबर तक यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। वैसे तो आपको, आप यहाँ पर कभी भी आएंगे तो आपको थोड़ी बहुत बर्फ़ देखने को मिल ही जाएगी, लेकिन अभी जिस तरह का स्नोफॉल हो रखा है ये आपको दिसंबर, जनवरी और फेब में ही मिलता है। और यहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल भी था जो आपको देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, क्योंकि ऐसे इलाके में कोई बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल बनाना आसान बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हॉस्पिटल ज़रूर था। पर हाँ, एक बात मुझे ज़रूर लगी, यहाँ पर जो लोग होते हैं वो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि आइए आप ये कर लीजिए, आप इस तरीके की गाड़ी में बैठ के घूम लीजिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा परेशान कर देते हैं। इन्हें सिर्फ पूछना चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप कोई एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से पीछे पड़ जाते हैं, ये बताइए सर आपको कहाँ जाना है, हम आपको छोड़ देते हैं, कुछ हेल्प चाहिए आपको, ये चीज़ें गलत हैं, इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। तो मैंने देखिए पेड़ों पर जो बर्फ़ पड़ी हुई है कितनी अच्छी लग रही है बर्फ़ पड़ी हुई। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ सोनमार्ग।